बिजनौर में धामपुर में नगर पालिका परिषद की प्रथम बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने की। बैठक में पालिका अध्यक्ष द्वारा 83 अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया, जिन पर बोर्ड ने सर्वसम्मति से अपनी मुहर लगा दी। इसी के साथ अध्यक्ष की अनुमति से अन्य अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी बैठक में शामिल कर पारित कर दिया गया। बैठक में पारित प्रस्तावों को क्रियारूप देने हेतु लगभग 61 करोड़ रुपए का बजट पास किया। बैठक के दौरान साफ सफाई, बंदरों और कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने, पेयजल आपूर्ति हेतु नल रिबोर कराने, पथ प्रकाश, सड़क निर्माण के मसले छाए रहे। नवभारत समाचार धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आज धामपुर नगर पालिका में बोर्ड की बैठक का प्रस्ताव पास हुआ है, कितनी लागत से पास हुआ है और क्या क्या मुद्दों पर? आज नगर पालिका परिषद धामपुर का अनुमानित बजट जो है 2023-24 के लिए पास हुआ है। इसमें हमारा आय का जो है अनुमानित आय जो है 54.61 लाख की है और व्यय जो होगा हमारा 54.23 लाख का होगा। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो है आय और प्रारंभिक अवशेष मिला के 61 करोड़ का टोटल बजट हुआ है। और इसके साथ साथ ही बोर्ड में बहुत सारे प्रस्ताव किए गए हैं, ज़्यादातर सड़क नाली रिंजा इन सब को लेकर, लेकिन मेन बजट जो हमारा मेन प्रस्ताव जो थे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे यहाँ ये जो गली गली में कुत्ते घूम रहे हैं इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इनको आबादी को कंट्रोल करने के लिए हम उनका बंधाकरण कराना चाह रहे हैं। उसके लिए एक स्वीकृति ली गई है कुत्तों की पकड़वा कर बंधाकरण, एक सामाजिक संस्था जो भी नामित होगी इनको इनके द्वारा कार्य कराया जाएगा। दूसरा, बंदरों का भी आतंक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा आतंक हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुकी है, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए हम वन विभाग से